So, Namaskar friends, Sat Sri Akal, Shubh Prabhat and Good Morning. नए दिन की शुरुआत नए तरीके से करते हैं. तो आज जो है वो आपके सामने एक ऑटो टेक रिलेटेड एक वीडियो लेके आने जा रहा हूँ. और इस वीडियो का सब्जेक्ट रहने वाला है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि अभी स्कूटर्स में काफ़ी कॉमन हो चुकी है, फोर व्हीलर्स में भी काफ़ी कॉमन हो चुकी है, बट बाइक्स के लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड थिंग बनी हुई है, क्योंकि बाइक में जो उनके टैंक्स है उनको फिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस की इश्यूज होती है. तो चलिए हम लोग बाइक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने TVS जुपिटर पे की है. तो चलिए जुपिटर का जो है वो रिव्यू लेते हैं. और रिव्यू लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. तो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की. और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो आज के डेट में बाइक्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग बनी हुई है, बट मार्केट में जो है वो फोर व्हीलर्स एंड स्कूटर्स के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ स्कूटर्स के लिए जो भी है वो CNG किट अवेलेबल है दोस्तों. तो दोस्तों जो मैंने अभी TVS जुपिटर का आपको आगे एक रिव्यू देने वाला हूँ कि CNG किट उसमें किस तरीके से फिटिंग किया है और क्या क्या है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. दोस्तों जो टोटल वेट है उस किट का वो अप्रॉक्स 8 to 9 kg उसका वेट है. कॉस्टिंग इस किट की जो है वो अप्रॉक्स 12,000 से 13,000 रुपये के आसपास में आ रही है. इस किट के अंदर दो सिलेंडर्स हैं, दोनों सिलेंडर्स की कैपेसिटी 1-1 किलो की है. और ऑलमोस्ट ये 90 to 100 रुपीज़ में दोनों सिलेंडर फुल हो रहे हैं. और दोनों सिलेंडर फुल होने के बाद में 120 to 130 किलोमीटर डबल सीट में आराम से जा रही है. और दोस्तों जो लोग अगर 40-50 किलोमीटर पर डे जिनका रनिंग है स्कूटर्स वो रनिंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो है वो 65 to 75 पैसा उनको पर किलोमीटर माइलेज का रेट पड़ने वाला है. दोस्तों बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन टाइम की. तो इंस्टॉलेशन टाइम के लिए इसके लिए 4 से 5 घंटा जाता है इस किट को पूरा इंस्टॉल करने के लिए बाइक के अंदर. और RTO और रजिस्ट्रेशन की और फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की जाए, तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो है वो इस किट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, पूरी तरीके से सेफ है. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं और बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अब हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स जो है कंपनी ऐड करती है. अपनी नॉर्मल बाइक है, इसमें चेंजेस क्या करना पड़ता है आपको दिखाता हूँ. ये दो सिलेंडर्स हैं जो कि यहाँ फिट करके उसके ऊपर कवर लगाया गया है. इसके अंदर दो टैंक्स हैं, यहाँ पे मीटर है, इसमें बताता है कि कितना जो है अंदर गैस है. ईरान की कंपनी है इटुक जो इसको बनाती है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका टोटली. तो बहुत अच्छा है कि कोई कंपनी इंडिया में आके इंडियन बाइक्स के हिसाब से किट बना रही है, क्योंकि बाकी जो किट्स हैं वो इंपोर्ट होती हैं और वो वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ की गाड़ियों के हिसाब से बनता है. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए. यहाँ पे गैस फिलिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, ये फ्यूल गेज है, यहाँ पे बताएगा कि हमारे इसमें गाड़ी में कितना गैस है. यहाँ पे स्विच है, इससे हम पेट्रोल और CNG मोड पे इजीली स्विच कर सकते हैं. ये चोक है जो कि गाड़ी का नॉर्मली रहता ही है उसके साथ. बाकी हम आपको दिखाते हैं कि इसका किट जो है, ये किट है जो कि देख सकते हैं आप, इटुक यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है. और इसके साथ कंप्लीट एसेसरीज और माउंट इसके जो भी हैं वो सब कंपनी से आता है, तो हमको कुछ भी लोकली इसमें फिट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अक्सर कुछ कंपनीज़ के साथ में ऐसे ये जो किट्स हैं नहीं आते हैं, तो कुछ बाहर से लगाने पड़ते हैं. तो वो सस्ते भी पड़ते हैं किट, बट वो कंपेटेबल है नहीं है, उससे क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है. खाली इतना है कि इसको लगाने के बाद आप इसमें अपना हेलमेट नहीं रख पाएंगे, बाकी जगह है, आप छोटे मोटे सामान इस पर रख सकते हैं. तो दोस्तों जैसा कि देख लिया आपने कि इसके अंदर जो है वो आपको एक छोटा सा स्पेस से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ेगा. अगर आप जो है वो CNG किट लगाते हो तो आप डिक्की के अंदर अपने हेलमेट्स वगैरह को रखने के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस फील हो सकती है, बट अगर बात किया जाए इसके रिलायबिलिटी की तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है बट अच्छी है. तो ज़रूर बताइए
बिलो कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।